नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहलों का अंतर परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, मतलब अगर हमको प्राथमिक अल्कोहल दिया गया है और हमको उसे द्वितीयक अल्कोहल में परिवर्तित करना है या फिर तृतीयक अल्कोहल में परिवर्तित करना है तो वो हम कैसे करेंगे, प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्शरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हमको आज पढ़ना है। ठीक है, देखो बच्चों, अक्सर क्या होता है, आपको एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये कोई अल्कोहल दे दिया और उसके बाद आपको यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया है ना, और आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और इन तीन के निशानों के ऊपर कुछ अभिकर्मक लिख दिए जाते हैं, रिएजेंट लिख दिए जाते हैं, उनके द्वारा अभिक्रिया करवानी पड़ती है, रिएक्शन करवानी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिकतर यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो अंतर परिवर्तन हम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल का द्वितीयक अल्कोहल में, प्राथमिक अल्कोहल का द्वितीयक अल्कोहल में। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल का द्वितीयक अल्कोहल में हम यहाँ पे परिवर्तन करवा रहे हैं। देखो, हमारे पास कोई प्राथमिक अल्कोहल है जैसे CH3, CH2, CH2, OH, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी का मतलब आपको पता है ना, इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना प्राथमिक। अगर हमको OH यहाँ जोड़ना है, अगर हमको OH यहाँ जोड़ना है, OH यहाँ जुड़ जाए और ये क्या बन जाए, द्वितीयक अल्कोहल बन जाए, तो वो कैसे बनेगा वो हमको आज यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो OH है ना इसको हटा देते हैं। सबसे पहली बात, इसको OH को हटाने का काम करते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, मैं लेता हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो, यहाँ पे थ्योरी लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं कि सर ये थ्योरी लिखवाओ। मैं आपको बता दूँ, ऐसी रिएक्शंस हमको सीधे करनी होती है, यहाँ पे कोई थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। मैं 10 बार बता चुका हूँ, कोई थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप उस पर बता सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्योरी की। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं गारंटी लेता हूँ कि थ्योरी इतनी ज़्यादा हमको नहीं लिखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई सांद्र H2SO4 से। जब हम सांद्र H2SO4 से करवाते हैं, जब हम अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो OH है ना, ये OH है और ये हाइड्रोजन, यानी कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ OH और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन किसके रूप में बाहर निकल जाता है, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और हमको क्या मिलता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एल्किन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों, एल्किन्स मिलती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, अब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं HI से। ठीक है, अब देखो यहाँ एक कार्बन से क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक कार्बन से जुड़ेगा आयोडीन। अब किस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा और किस कार्बन से आयोडीन जुड़ेगा वो हमको यहाँ पर बात करनी है, क्लियर है। तो देखो, आपने मार्कोनी कोफ का नियम पढ़ा होगा, मार्कोनी कोफ का नियम क्या कहता है,
कि हमारे पास जो माइनस वाला भाग है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, ठीक है, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास क्या है, कम है, वहाँ पर हमारे पास आयोडीन जुड़ेगा, ठीक है। तो आयोडीन अब देखिए कैसे जुड़ेगा, CH3CH यहाँ जुड़ गया आयोडीन, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे, तो ये हो गया CH3। देखो बच्चों जरा चेक करो, मैंने यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ लिख दिया CH, इस CH से मैंने जोड़ दिया आयोडीन और इस CH2 से मैंने क्या जोड़ दिया, H। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास यहाँ पे 2° एल्किल हैलाइड बन गया, 2° क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक है। अब हमको सिंपल सा काम क्या करना है, यहाँ पर KOH लेना है, वो भी एक्वस वाला, ठीक है, KOH लेना है, कौन सा, एक्वस वाला, ठीक है, या फिर हम कुछ और भी ले सकते हैं, या AgOH भी ले सकते हैं, क्लियर है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से जैसे हमने KOH लिया है तो ये जो पोटेशियम है ना, ये आयोडीन को अपने साथ ले जाएगा, आयोडीन को अपने साथ ले जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बच्चों, जो हमको चाहिए था, ये OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या निकला, KI। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2° एल्कोहल, या द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। 2° एल्कोहल का मतलब तो आप समझते होगे कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो होता है 2° एल्कोहल। तो इस तरीके से हम प्राइमरी एल्कोहल का सेकेंडरी एल्कोहल में इंटर कन्वर्जन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्राथमिक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल में इंटर कन्वर्जन, क्लियर है। अब हम दूसरा कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है, किसी को उतारना है उतार लीजिए, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। अब हमारे पास है एक और कन्वर्जन, कौन सा, द्वितीयक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल में कन्वर्जन, द्वितीयक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल में अंतर परिवर्तन, ठीक है। अभी हमने प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तो द्वितीयक एल्कोहल हमारे पास क्या है, CH3CH OH CH3, ये हमारे पास क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है, क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करवाते हैं, यहाँ पे हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, किसका, एल्कोहल का, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, जरा चेक कीजिए, अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमारे पास निकल गया तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए कि यहाँ पे CH3C यहाँ CH3, ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। तो जब भी हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो हमको कीटोन मिलेगा। 2° एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमको हमेशा कीटोन मिलेगा,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कीटोन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं गिरनियार अभिकर्मक से। ठीक है, गिरनियार अभिकर्मक से, गिरनियार अभिकर्मक क्या होता है बच्चों, RMGX। ठीक है, आपको गिरनियार अभिकर्मक के बारे में पता होगा, गिरनियार अभिकर्मक क्या होता है, RMGX, जिसमें R वाला भाग होता है माइनस का और MGX वाला भाग होता है प्लस का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ होगा R वाला भाग माइनस का और MGX वाला भाग प्लस का। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड अगर टूटे तो इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जरा चेक कीजिए, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन से कौन सा वाला भाग जुड़ जाएगा, कार्बन प्लस का है, कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो पॉजिटिव से कौन सा जुड़ जाएगा, माइनस वाला भाग जुड़ जाएगा, तो ये माइनस वाला भाग क्या है, R, तो हमने यहाँ पे R जोड़ दिया तो इसका प्लस चार्ज हट गया। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा हमारे पास, प्लस वाला भाग, ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव से कौन सा जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला भाग। तो जरा चेक कीजिए बच्चों, में अगर MgX को यहाँ लिख दूँ तो इस तरीके से संरचना बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, अब हमको सिंपल सा एक काम करना है, हमको इसका जल अपघटन करवाना है। ठीक है, जल अपघटन करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो जरा देखिए, यहाँ पे मैं HOH को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CrCH3OH। ठीक है, तो जो जल का अणु है उसका हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो क्या हो गया, OH हो गया, और साथ में हमारे पास क्या बना, MgXOH। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3° अल्कोहल बन गया, तृतीयक अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राथमिक अल्कोहल से द्वितीयक अल्कोहल बना सकते हो, द्वितीयक से तृतीयक अल्कोहल बना सकते हो। क्लियर है, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब देखिए यहां पर, देखो प्राथमिक से द्वितीयक बना दिया हमने, प्राइमरी से सेकेंडरी बना दिया और सेकेंडरी से टर्शियरी बना दिया। हो सकता है आपके पास पूछ लिया जाए कि प्राइमरी से क्या बनाइए, प्राइमरी से टर्शियरी बनाइए। ठीक है, प्राइमरी से टर्शियरी अल्कोहल बनाइए, ये भी आपके पास पूछा जा सकता है, प्राइमरी से टर्शियरी। ठीक है, तो प्राइमरी से टर्शियरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पहले प्राइमरी से सेकेंडरी बना लीजिए और सेकेंडरी से फिर टर्शियरी बना लीजिए। ठीक है, तो मैंने अभी अभी पहले बताया था ना, प्राइमरी से सेकेंडरी बनाओ, सेकेंडरी से टर्शियरी बनाओ, तो आपके पास प्राइमरी से टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज हो गई, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, जिसमें हमने क्या करवा दिया, इंटर कन्वर्जन करवा दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इतना ध्यान यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी इंटर कन्वर्जन होते हैं। देखो हमने क्या है, पहले से ही 12th क्लास में हमने छोटी छोटी रिएक्शंस पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में छोटी छोटी रिएक्शंस पढ़ी है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, उन सारी रिएक्शनों को मिलाकर देखना है। ठीक है, डिटेल में देखना है, डिटेल में हम देखेंगे तो हमारे पास इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। इंटर कन्वर्जन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंटर कन्वर्जन आसानी से हो जाता है अगर आप कोशिश करो तो। ठीक है, और कोशिश नहीं करो तो सिंपल से सिंपल रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटर कन्वर्जन हो गया, ये एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। अरे।
काम करियो तो बनवारी का थोड़ा।